हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीरू फूड ब्लॉग्स। आज हम बनाएंगे वेजिटेबल मसाला इडली, जो एक बहुत ही ब्रेकफास्ट या इवनिंग स्नैक्स की हेल्दी ऑप्शन है और जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। मसाला वेजिटेबल इडली बनाने के लिए मैंने 10 इडली ली हैं। इनको हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसको मैंने इस तरह छोटे टुकड़ों में काट लिया है, आप लंबे टुकड़ों में भी काट सकते हैं। सारी इडली छोटी छोटी काट ली है। अब एक कढ़ाई में एक स्पून ऑयल ले लेंगे। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी सरसों, सरसों और कड़ी पत्ते को एक मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा लंबा स्लाइस किया हुआ एक प्याज, प्याज को भी हल्का सा सोते कर लेंगे। प्याज के हल्का सा भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम, इसको भी मैंने थोड़े लंबे टुकड़ों में काट लिया है और सीड्स इसके मैंने हटा दिए। और कैप्सिकम का करंच ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे अपनी बाकी दोनों वेजिटेबल्स भी, ग्रेट की हुई गाजर और ग्रेट की हुई पत्ता गोभी। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी वेजिटेबल कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। लेकिन ये हम मसाला वेजिटेबल इडली बना रहे हैं और थोड़ी हेल्दी भी रहती है, इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके, अगर आपके पास विंटर है, ब्रोकली है या मटर है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, तो मसाले हमें ज़्यादा नहीं ऐड करने। हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी देगी मिर्च और हम इसमें डालेंगे एक स्पून विनेगर, वाइट विनेगर यूज कर रही हूँ मैं। और हम इसमें डाल देंगे दो स्पून टमाटो सॉस, सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी इडली। इडली डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये सारी वेजिटेबल्स की कोटिंग इडली के ऊपर अच्छी तरह से हो जाए। और अगर आपको अपनी वेजिटेबल्स थोड़ी ज़्यादा ड्राई लग रही हो, तो आप इसमें हल्का सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी यूज़ करने से ये फ़ायदा है कि इडली हमारी, ये सारी वेजिटेबल्स इसके ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएंगी और मसाला इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। इसको हम गैस को सिम करेंगे और एक मिनट के लिए कवर कर देंगे। इडली को चेक कर लेंगे, ये बिल्कुल तैयार है। कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, देखने से ही इतनी कलरफुल और इतनी अच्छी दिखाई दे रही है। इसमें हम कॉर्न्स भी डाल सकते हैं जिससे ये और ज़्यादा कलरफुल हो जाती है। कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं हम, स्वीट कॉर्न्स, उससे और भी अच्छी दिखाई देती है। इसको हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप ये मसाला वेजिटेबल इडली ज़रूर ट्राई करें, ये आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।